कि यहाँ का कुछ मार्केट ऐसा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ घूमने के बाद। और मैं आप लोग को बता दूँ कि ये जगह हजारीबाग जिला का एक फेमस है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ। यहाँ से अगर आप लोगों को कहीं जाना रहेगा तो यहाँ टोटो टाइम टू टाइम मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं टोटो का, हमेशा टोटो यहाँ पे लगा रहता है। और गाइज यहाँ से बरही रेलवे स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं, वो भी अभी हम दिखाते हैं आप लोग को। और यहाँ का सदर अस्पताल है और बरही थाना है और क्या क्या देखते हैं, जो जो अच्छा लगेगा मेरे को और जो जो फेमस है वो भी हम आप लोग को पूरा दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो अभी हम जा रहे हैं बरही रेलवे स्टेशन, दिखाते बरही का रेलवे स्टेशन कैसा है। सो गाइज हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, फाइनली यही है रेलवे स्टेशन। और चलिए अभी अंदर दिखाते हैं आप लोग को अंदर कैसा है, क्या है। और अंदर टिकट काउंटर यहाँ से दिख रहा है, सो देखिए जाते हैं अंदर दिखाते हैं आप लोग को। और अभी वीडियो में बन रही है सदर अस्पताल, बरही का थाना और क्या क्या है, सो सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा इस वीडियो में। तो गाइस आप लोग को हम पूरे दिखा दिए और यहाँ पे टोटल दो प्लेटफॉर्म है। और अब चलिए सदर अस्पताल चलते हैं। क्या चीज़ नेटवर्क है भाई, ये वाला क्या चीज़ का नेटवर्क है? ये गाइस ये एयरटेल का नेटवर्क है यहाँ पे। सो अभी जा रहे हैं हम लोग सदर अस्पताल और थाना और क्या क्या है देखते हैं, वहाँ पहुँच के बताते आप लोग को, दिखाते क्या क्या देखा पाते आप लोग को। ये रहा बरही का सदर अस्पताल। सो अभी अंदर जा रहे, दिखाते कैसा है क्या है। ओहो इमरजेंसी सेवा 24/7, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी लगा हुआ है, पब्लिक आती है यहाँ पे इलाज करवाने के लिए। और इधर क्या है दिखाते हैं आप लोग को, तो बने रहिए। और अभी गाइस पता किए, एक यहाँ पे बगल में मॉल है, बहुत बड़ा है, फेमस है वो, वहाँ पे भी हम लोग जाते हैं और दिखाते हैं आप लोग को मॉल। अभी पहले थाना जाएंगे इसके बाद। यहाँ से आप लोग को दिखा देता हूँ मैं अंदर कुछ ऐसा है, अंदर तो अभी जाएंगे नहीं, अंदर कोविड चल रहा है। यहाँ पीछे बहुत सारे एम्बुलेंस लगा हुआ है, अच्छा खासा अच्छा ही लग रहा है यहाँ से। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, बहुत मेहनत लगता है, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सो अभी जा रहे हैं थाना, दिखाते आप लोग को। A few moments later. सो हम लोग थाना के करीब आ चुके हैं और दिखाते अंदर, ये रहा बोर्ड। सो अंदर जाते दिखाते क्या है और क्या नहीं है, क्या हो रहा है। सो यहाँ से पहले अच्छा ही लग रहा है, कोई आ रहे हैं। सो चलिए अभी अंदर जाते दिखाते हैं कैसा है क्या है। यहाँ पे तो बहुत सारी गाड़ी लगा हुआ है यार, क्योंकि 6 लेन यहाँ बगल में ही है ना, तो गाड़ी एक्सीडेंट या फिर कुछ ऐसा होता है तो अंदर तुरंत ले आता है गाड़ी को। सर जी कुछ बोल रहे, देखते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो थैंक यू सर जी, आप इतना अच्छा बात की, इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर, अच्छे थे सर, बोले चैनल दिखाए, सब्सक्राइब भी कर दिए, बोले अच्छा है वीडियो बनाते रहो। गाइस ये बरही का जामा मस्जिद है, यहाँ का प्रचलित जगह है ये, एंड पवित्र, काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ से। पूछिएगा कैसे दे रहे हैं, कौन सी ये वाला सामने 50 है, बेदाना साहब है। अच्छा
50 वाले दे दीजिए। सो गाइस अभी जूस पीते हैं, उसके बाद आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग इधर से कहीं आते हैं तो यहाँ सब लैंड रूट, यहाँ सब जगह का यहीं से कनेक्शन है। सो यहाँ कोडरमा हो गया, पटना हो गया, बरकट्ठा हो गया, बगोदर हो गया, धनबाद हो गया, गिरिडीह हो गया, कोलकाता हो गया, रांची हो गया, फिर हजारीबाग हो गया, फिर रामगढ़ हो गया, जमशेदपुर हो गया, टाटा हो गया, जैसे कि बहुत सारा है। यहाँ सब इधर से भी रास्ता है, उधर से भी रास्ता है, उधर से भी रास्ता है, चार पाँच तरह से सभी तरफ से रास्ता ही रास्ता है। यहाँ सारा जगह का कनेक्शन यहीं से जुड़ा हुआ है। कौन जगह यहाँ से कितने किलोमीटर है वो बगल में दिख गया होगा आपको। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ओ हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाए, किस टॉपिक पे बनाए या फिर कहाँ घूमने जाए, सो आप लोग बता देना, मैं वहाँ पे जाके वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, लाइक कर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।